हेलो एवरीवन, ये एक बहुत जबरदस्त सा क्वेश्चन है, तो चलिए देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन में। तो इस क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि द बेंचेस ऑफ ए गैलरी इन ए क्रिकेट स्टेडियम आर 1 मीटर हाई एंड 1 मीटर वाइड। एक क्रिकेट स्टेडियम है, सबने देखा होगा, और उसके में जो बेंचेस लगे हुए हैं वो 1 मीटर हाई है और 1 मीटर चौड़ी है। ए बैट्समैन स्ट्राइक्स द बॉल एट ए लेवल 1 मीटर अबाउट द ग्राउंड, और बैट्समैन जो बॉल को स्ट्राइक करता है वो 1 मीटर ग्राउंड के ऊपर स्ट्राइक करता है, ठीक है। द बॉल स्टार्ट्स एट 35 मीटर पर सेकंड एट एन एंगल ऑफ 53 डिग्री विद द हॉरिजेंटल, और बॉल 35 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जाती है 53 डिग्री हॉरिजेंटल से एंगल बनाते हुए, और जो पहली बेंच है वो है 110 मीटर बैट्समैन से। तो ये पूछ रहा है कि किस बेंच पे बॉल हिट करेगा, ठीक है। क्वेश्चन सबको क्लियर है, आप लोग वीडियो को थोड़ा देर के लिए पॉज करें, ठीक है, और खुद से इसको बनाने की कोशिश करें। तो चलिए अब देखते हैं सॉल्यूशन की तरफ कि किस तरह से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले उसके लिए तो हम लोग क्या करते हैं कि एक डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं, छोटा सा इधर मान लेते हैं आपको, ये है हमारा जहां पे कि बॉल को हिट किया जा रहा है। हॉरिजेंटल से 53 डिग्री पे हिट हो रहा है बॉल, और यहां पे बेंचेस भी बनाने की कोशिश करते हैं हम लोग। तो पहला जो बेंच है वो बॉल को जहां से हिट किया जा रहा है वो 1 मीटर से ही हिट किया जा रहा है, तो जो आपकी पहली बेंच होगी वो थोड़ा नीचे से बनाइए कुछ ऐसे, ये आपकी फर्स्ट बेंच हुई, ठीक है, क्योंकि बेंच ग्राउंड से स्टार्ट हो रही है और ये जो बॉल है ये 1 मीटर से स्टार्ट हो रहा है। नेक्स्ट, यस, आपकी सेकंड बेंच हुई। इस तरह से हम लोग थोड़ा सा 3-4 बेंच बनाते हैं कि थोड़ा समझ में आए। थर्ड हुई, फोर्थ हुई, फिफ्थ, सिक्स्थ, कुछ इस तरह से, ठीक है। तो नंबरिंग सबको समझ में आ रहा है, ये आपकी जो है फर्स्ट बेंच हुई। अच्छा, और ग्राउंड लेवल हमारा क्या है? ग्राउंड लेवल हमारा ये हमारा ग्राउंड लेवल है, ठीक है, ये 1 मीटर था जहां से बॉल आपकी स्टार्ट हुई है, ठीक है। तो ये ग्रीन वाला है वो फर्स्ट बेंच है, उसके बाद ब्लू वाला सेकंड बेंच, इस तरह से थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, इस तरह से बेंचेज है हमारी, ठीक है। तो अब अगर हम एक स्ट्रेट लाइन से इसको ज्वाइन कर लेते हैं, मान लीजिए इन सारों को एक स्ट्रेट लाइन से हम ज्वाइन करते हैं, और ये जो बॉल की हमारी जो मोशन है वो तो प्रोजेक्टाइल मोशन में होगा, कुछ इस तरह से कहीं पे जाकर के हिट कर रहा होगा, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन को अगर हम नॉर्मल तरीके से बनाने की कोशिश करें कि अगर हम देखें कि एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, और फिर इसको बनाने की कोशिश करें, तो काफ़ी लंबा जाएगा और हो सकता है कि गलती भी हो। तो इसके लिए सबसे बेस्ट तरीका यह है कि हम इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी और इक्वेशन ऑफ दिस लाइन को कंपेयर कर लें, ठीक है। तो सबसे पहले आते हैं हम लोग इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी की, इसकी बात करते हैं हम लोग इस बॉल की, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी जब हम यहाँ पर लिखेंगे, तो ये हमारा क्या होता है, y इज इक्वल टू एक्स टैन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर बाई 2u² कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने की कोशिश करते हैं। टैन थीटा, तो थीटा है हमारा 53 डिग्री, टैन 53 डिग्री हमारा कितना होता है, 4/3 होता है, सो 4/3x माइनस जी हो गया 10, 2u² हमारा हो गया, आपको u है 35, राइट, ये 35 से हमारा जा रहा था, सो 35² cos स्क्वायर थीटा, cos 53 जो है हमारा वो हो गया 3/5, सो 9/25x², ठीक है। तो यहाँ पर से हम इसको लिख सकते हैं 4/3, तो हमारा 1.33 हो गया,
और इसको जब हम सॉल्व करेंगे 10 × 25/2 × 35² × 9 तो ये हमारा कुछ 0.0113x² आपकी आ जाएगी। ये एक इक्वेशन आ गई हमारी, ठीक है। अब अगर हम इस लाइन की इक्वेशन की बात करें, ठीक है, ये जो लाइन है इसकी क्या इक्वेशन है, ठीक, तो इसका कुछ नाम दे देते हैं, MN लिख लेते हैं इसका नाम, ठीक है, इस लाइन का नाम MN दे देते हैं। तो इक्वेशन ऑफ लाइन हमारी क्या है और इक्वेशन ऑफ लाइन MN हमारी क्या हो जाएगी, ये एक स्ट्रेट लाइन है तो हमारी हो जाएगी y = mx + c, ठीक है, और स्लोप इसका क्या है, अगर ये देखिए तो यहाँ पे हर जो बेंच है उसकी हाइट है 1 और विड्थ है 1, तो ये आपका 1 है, ये आपका 1 है, ये 1 है, ये 1 है, तो ये एंगल 45 डिग्री हो रहा है, तो tan 45 आपका 1 हो गया, ठीक है। तो y is equal to हम लिख सकते हैं mx + c, राइट, सो m आपका 1 है और c हमारा क्या होगा, यहाँ पे देखिए इस पॉइंट की जब हम बात करते हैं, इस पॉइंट की बात करते हैं, ठीक है, तो 110 मीटर डिस्टेंस दे रहा था, तो ये डिस्टेंस हमारा 110 था यहाँ से यहाँ तक का, ठीक है, और यहाँ पे जो है आप y जीरो कर दीजिए, ये आपका ओरिजिन था 0,0, ठीक है, तो जब y जीरो करेंगे तो x हमारा 1110, इसका मतलब c हो गया -1110, तो हमारा हो जाएगा y = x - 110, ठीक है, तो ये आपकी सेकंड इक्वेशन हमारी आ गई। अब क्या है कि ये जहां पे भी स्ट्राइक करेगा तो वहां पे कोऑर्डिनेट तो दोनों का सेम रहेगा, चाहे इस लाइन की बात कर लें हम लोग या फिर हम लोग इस प्रोजेक्टाइल पाथ की बात कर लें, जहां पे भी हिट करेगा वो कोऑर्डिनेट तो सेम होगा, मतलब इन दोनों इक्वेशन को अगर हम सॉल्व कर लें तो हमारे पास दो वेरिएबल है वाई में और एक्स में, तो इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लें तो हमारा निकल जाएगा कि कहां पे ये हिट कर रहा है, ठीक है, तो अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, सॉल्व करके डायरेक्ट हम लोग आंसर लिखते हैं, सॉल्विंग 1 और 2, तो जैसे ही हम इस दोनों को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे मैं यहाँ पे दिखा नहीं रहा हूँ, आप लोग खुद से करके देख सकते हैं कि हमारा x जो है वो आ जाएगा 114.34 और y जो है वो आ जाएगा 4.34, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि y हमारा 4.34 आया तो कौन से स्टेप पे हिट कर रहा है, तो 4.34 कहाँ पे आएगा, ये देखिए ये y कोऑर्डिनेट 0 था, ये ओरिजिन था, ठीक है, तो यहाँ पे y कोऑर्डिनेट 0 है, तो y कोऑर्डिनेट 1 तो ये हो गया, ये y कोऑर्डिनेट 2 हुआ, ये 3 हुआ, ये 4 हुआ, 4.34 मतलब इससे ऊपर, मतलब कहीं यहाँ पे हिट कर रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे मैं मार्क एक लगा देता हूँ कि मान लीजिए कहीं यहाँ पे हिट कर रहा है, ये हुआ आपका 4.34, तो ये कौन सा स्टेप हो गया, अब इसको ध्यान से गिनना चालू कीजिए तो समझ में आएगा ये कौन सा स्टेप है। ग्रीन वाला तो फर्स्ट स्टेप था, फिर ब्लू वाला सेकंड, पिंक थर्ड, ऑरेंज फोर्थ, वायलेट फिफ्थ, और ये जो रेड वाला है जहाँ पे हमने ये मार्क लगाया 4.34, ये हमारा सिक्स्थ स्टेप हो गया, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर से कि मेरी जो फाइनल आंसर होगी वो हो जाएगी आपकी विच बेंच विल द बॉल हिट, तो आप लिख सकते हैं कि सिक्स्थ बेंच, द बॉल विल हिट ऑन द सिक्स्थ बेंच, ये आपकी फाइनल आंसर हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में कंफ्यूजन कहाँ कहाँ पे होता है, एक तो ये समझ में नहीं आता कि किस तरह से प्रोसीड करें इस क्वेश्चन को, ठीक है, तो प्रोसीड करने के लिए जैसा कि हमने अभी अभी डिस्कस किया कि एक अगर आप स्ट्रेट लाइन ले लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, और इसकी इक्वेशन और इक्वेशन और ट्रैजेक्टरी को सॉल्व कर लेते हैं तो बहुत आसानी से आपको आ जाएगा। दूसरा बात कि ये बॉल चूंकि 1 मीटर हाइट से आपको जो है रिलीज की जा रही थी या 1 मीटर हाइट से स्ट्राइक किया गया, तो ये जो फर्स्ट स्टेप है बेंच का वो एक्चुअली ग्राउंड के या इस कोऑर्डिनेट के नीचे है, ठीक है, तो स्टेप को कैलकुलेट करने में भी जनरली स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं। तो उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको अच्छा लगा होगा, और इस तरह के और भी अच्छे क्वेश्चंस, इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस अगर आपके पास हैं तो कमेंट सेक्शन में आप मेंशन कर सकते हैं, जिसको कि अगले वीडियोज़ में लिया जाएगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, थैंक यू।